हेलो दोस्त, परचेस चैनल में आपका स्वागत। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस 2021 जो अभी चल रहा है रिक्रूटमेंट, इसका फाइनल रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आ गया। मेंस का रिजल्ट आ गया, बट जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया इंटरव्यू के लिए उनके मार्क्स नहीं आए। तो अब उनके मन में बड़ी द्विधा है कि वो फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, या सिर्फ इंटरव्यू दे के रह जाएंगे। तो बार बार जो कमेंट सेक्शन में कमेंट मिल रहा है वो इस चीज का कि कितने मार्क्स से ज्यादा अगर एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं, जैसे उनको कट ऑफ का तो पता चल गया और उनके अटेम्प्ट्स भी अब तक उन्होंने एवेल्यूट कर लिए कि भाई मोर और लेस इतने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, तो क्या मैं सेफ हूँ क्या मैं सेफ नहीं हूँ। ये काफी क्वारीज बड़े लेवल पे आ रहे हैं। तो आज का सेशन एक्सक्लूसिवली इसी को लेके है। लास्ट ईयर का एक एग्जाम्पल अपने देखेंगे, दो एग्जाम्पल देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपना आपको एनालाइज कर लीजिए। अगर मैं 2019 में जाऊं, 2019 का जो आपका आरआरबी पीओ मेंस कहूं या आरआरबी स्केल वन का अगर मैं देखूं, तो उसमें क्या था आपके? दो स्टेट अपने ले ले, एक ले हरियाणा। जैसे पहले मैं हरियाणा का लूं, हरियाणा की आपकी मेंस की जो कट ऑफ थी, मेंस की कट ऑफ आपकी थी हरियाणा की 92.19, जो अब की बार दो तीन नंबर शायद कम है, 88-89 के आसपास हरियाणा। और जो फाइनल कट ऑफ रही आपके लास्ट ईयर के हरियाणा की, फाइनल कट ऑफ आपकी रही इसकी 55.4 है, 55.4 है, राइट। अब ये जो मेंस के आपके मार्क्स थे ये थे 200 में से, ये 200 में से थे। अब वो करना क्या है, ये आपका वेटेड स्कोर है, वेटेड स्कोर है। और वेटेड स्कोर को कहां लेके गए आप? 100 पे लेके गए। कैसे लेके गए? जो आपके मेंस का स्कोर रहा, मेंस का जो आपका स्कोर रहा आउट ऑफ 200, उसको आप ले गए 80 मार्क्स में। और जो इंटरव्यू का 100 मार्क्स का था, इंटरव्यू आपकी थी आउट ऑफ 100, उसको ले गए 20 मार्क्स, राइट। तो आपने एक तरह से क्या किया कि जो मेंस का स्कोर था उसके आपने ले लिए 40% और जो इंटरव्यू का था उसको ले लिए 20%, और वही आपका मार्क्स किसके बन गए आउट ऑफ 100 जो आपको फाइनल कट ऑफ नजर आ रहा। क्योंकि आपके जो मेंस और इंटरव्यू का रेशियो 80-20 रखा गया है, मेन और इंटरव्यू। ये मेंस जो 80-20 है ये 200 मार्क्स की है, ये 100 मार्क्स की है। तो 100 को 20 पे लेके जाना है, इसका मतलब जो भी मार्क्स आपके आए आउट ऑफ 100 उसका 1/5 या 20%, जो मार्क्स आपके मेंस में आए उसका 40%, भाई उसको 200 को 80 में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो गया आप उसका 40% मार्क्स से मान लीजिए। अब आप जैसे हरियाणा में मैं देखूं, मेंस में उसके आए 92.19, तो जो और यहां फाइनल कट ऑफ था 55.48, तो जो अगर क्या मिनिमम जो जिसका जस्ट क्रेक किया था मेंस इंटरव्यू के लिए, क्या वो बच्चा फाइनली सेलेक्ट हो सकता था टेक्निकली? आई थिंक नहीं, क्योंकि 92.19 इन मार्क्स के उनको कितने बने, इन 2.4। तो मैं साथ एक बार कैलकुलेटर ले लूं और साथ आपके करता जाऊं, 92.19 को अगर एग्जैक्टली 0.4 से मैं करता हूं तो 36.876 मार्क्स बने, राइट। चाहिए थे 55.48, तो बैलेंस से मुझे कितने और चाहिए? बैलेंस मुझे चाहिए 55.48 में से इसको घटा देता हूं तो ये बने 18 पॉइंट्स थे, 18.604। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बच्चे के 18 कब बनेंगे, इसके 5 गुना कर लो, अगर इंटरव्यू में उसके 93 मार्क्स बन गए आउट ऑफ 100 जो लोवेस्ट था, लग तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल फिर भी नहीं हुआ। अगर जिस बच्चे ने एग्जैक्टली ये आपका जस्ट क्रेक किया है, उसके मार्क्स थे 92.19 और उसको आउट ऑफ 100 93 मिल गए इंटरव्यू में, तो वो बच्चा सेलेक्ट हो गया। लेकिन ये तो एक थ्योरेटिकल सिलेक्शन अपन ने देखा कि पॉसिबल था, इम्पॉसिबल तो नहीं था लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, 93 मार्क्स से
वो टफ है। इन जनरल जब आपका अच्छा इंटरव्यू होता है तो आपको, अब अपने देखें कि जिन बच्चों का अच्छा इंटरव्यू हुआ वो उनको कितने नंबर का गैप चाहिए था या कितने का एज चाहिए था। अच्छा इंटरव्यू होता है आप 80% जब स्कोर कर लेते हैं, अगर आपने आउट ऑफ 180 मार्क्स किए तो आपका अच्छा इंटरव्यू है, डिसेंट। तो डिसेंट वाले को मिले 16 नंबर, भाई 80 मार्क्स अगर मिले तो उसका आपका कन्वर्ट करोगे 1/5 तो 16 मार्क्स बने। इंटरव्यू में बने 60 मार्क्स तो आपको रिटर्न में कितने चाहिए, रिटर्न में आपको चाहिए 55.48 और माइनस 16, 55.48 में से अगर मैं ये कर लूं तो ये 29.48 आई थी, 29 6 45 और 10 55 29.48। तो इसको क्या करूं मैं, इसको इस ये 40% होके आया है तो इसको ढाई गुना कर लूं, इसको अगर मैं 2.5 टाइम्स कर लेता हूं तो वो मार्क्स आ गए जो मेरे रिटर्न में मुझे चाहिए थे। तो कितने करीब करीब अगर मैं देखूं तो 100 से थोड़ा सा कम, 98.5 के आसपास, अराउंड 98.5। तो आपका जो कट ऑफ था 96 से, उसकी बजाय आपको 6 नंबर या 7 नंबर 6 to 7 मार्क्स अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा थे और आपका इंटरव्यू डिसेंट हुआ, एवरेज नहीं अच्छा इंटरव्यू हुआ है, तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी, राइट। अब अपने मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं और अपने देखते हैं कि अगर जिस बच्चे का इंटरव्यू एवरेज हुआ, जिस बच्चे का इंटरव्यू एवरेज हुआ उसको क्या चाहिए। एवरेज वाले को अगर उसकी डिसेंट या आउटस्टैंडिंग है, अच्छी है काफी, तो वो 6-7 नंबर से भी उसके गाड़ी चल गई। लेकिन अगर वो ये माने कि उसकी इंटरव्यू एवरेज हुई, मतलब अच्छी नहीं हुई, एवरेज हुई, एवरेज अच्छी में नहीं आता है ये मान के चलिए, और उसके मार्क्स आए एवरेज हुई और उसको 60 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, एवरेज हुई इंटरव्यू, एवरेज इंटरव्यू पे उसको मिले 60 मार्क्स, 60 मिले तो उसको वेटेड कितना आ गया, इसका 1/5 कर लीजिए 12 मार्क्स, तो 55.48 में से 12 तो उसको ये मिल गए। अब उसको रिटर्न में कितना चाहिए, रिटर्न के लिए उसको चाहिए 55.48 माइनस 12, तो ये कितने हो गए, 55 में से अगर ये करोगे आप तो कितना आ गया, 43 और 2 43 2 45 10 55 43.48, राइट। तो इसको कितने चाहिए इंटरव्यू में, इसको 2.5 टाइम्स कर लीजिए तो ये कितने निकल के आ गए, 40 डाया 100 तो एक हो गए, और 3.5 2 7 और 2 9 करीब करीब 109 मार्क्स हो गए। 109 मार्क्स का मतलब आपका 9 और 8 17 17 मार्क्स की एज उसको चाहिए अगर आपका एवरेज इंटरव्यू जाता है तो, एवरेज इंटरव्यू जाता है तो आपको 17 मार्क्स से प्लस चाहिए, राइट। तो जो भी बच्चे अगर जो बच्चा ये करें, बहुत बच्चों के ऐसे भी मेरे पास कमेंट आए हैं कि मैं 20 से 25 नंबर का मेरे पास एज है, तो आप मान के चलिए कि आप सेलेक्ट होंगे क्योंकि आपको डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट पार्ट भी क्लियर है, और ऐसा नहीं हो सकता कि वो दिन आपका बिल्कुल ही बुरा हो और आप एवरेज भी परफॉर्म नहीं कर पाए, वो डेफिनेटली। तो ये मैंने दिखाया कि लोवेस्ट भी पॉसिबल है लेकिन थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू हो जाता है तो आपके पास 5-7 नंबर का भी अगर एज है, इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका एवरेज इंटरव्यू हुआ है तो वहां जरूरत थी 17 प्लस मार्क्स के आपके एज की, मतलब लोवेस्ट से आपको इतना ऊपर होना चाहिए था। ये मैंने दिया आपको हरियाणा का। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं जो इसे कुछ कम है, कुछ क्या ठीक ठाक कम है, मध्य प्रदेश का। उसके बाद आप खुद आप जहां का भी आपको चाहिए उसकी थोड़ा सा आप सर्च करोगे तो आपको कट ऑफ भी मिल जाएगी आपके स्टेट की और अकॉर्डिंगली आप इवेल्युएट भी कर पाओगे। जैसे अगर हरियाणा की बजाय अगर मैं देखूं दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पिछली बार क्या था, एमपी का कट ऑफ जो थी मेंस की वो थी 82.56 और फाइनल कट ऑफ थी वो थी 52.5, राइट। अब आप मुझे देखिए कि जो मिनिमम वाला बच्चा था, जो जस्ट जिसने कट ऑफ क्लियर की, तो 82.56 वाले को कितने नंबर मिले, 2.4। रिटर्न का आपका कितना बना, रिटर्न का आपका ये बन के आया
तो कितना आ गया भाई 82, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 82.56 को एग्जैक्टली अगर अपने 0.4 से करें तो 33.024 मार्क्स उसको यहां से मिलते। अब उसको जाना था 52.55 पे, तो अब उसको इंटरव्यू में क्या चाहिए, इंटरव्यू में उसको चाहिए 52.55 से इसको घटा देते हैं तो ये आ गया 19.526, 19.526। आप देखिए यहां भी वही पोजिशन आ गई, सिलेक्शन पॉसिबल बॉटम वाले का भी, इंटरव्यू में आपको कितना चाहिए इंटू 5 कर दीजिए तो 100 में से करीब करीब 98 आउट ऑफ 100 ये चाहिए आपको, तब बॉटम वाला सेलेक्ट होता। तो ये तो थ्योरेटिकल सिलेक्शन हुआ। अब अगर अपने माने कि जो जिनका अच्छा इंटरव्यू गया, अच्छा इंटरव्यू गया और जिसने 80% स्कोर कर लिया, आराम से पॉसिबल है अगर ठीक इंटरव्यू जाएगा तो मिल जाते, 16 नंबर उसको मिले तो 52.5 माइनस 16 तो 52.55 में से अगर मैं 16 घटाऊं, 52.55 में से अगर मैं 16 घटा लूं तो जो आया मेरा 36.55, ये मुझे रिटर्न में थी। तो इसको अगर ये वेटेड स्कोर है, इसको अगर मैं स्कोर में कन्वर्ट करूं आउट ऑफ 200 मुझे कितने चाहिए इनटू 2.5, तो 36 का अगर मैं देखूं 36 2 72 18 90 तो यहां हो गया और ये दो नंबर और 92 आई थिंक के मोटा मोटा, एग्जैक्ट भी मैं आपको बता देता हूं 91.38 मार्क्स उसको चाहिए। तो ये यहां कितना गैप हुआ 82 से 91 पॉइंट करीब करीब 9 मार्क्स का गैप उसको चाहिए था। जो अपने वहां देखा वहां 7 का रहा था कहीं 8 का 9 का, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी। जब अब दूसरा एक केस आया जब आपका इंटरव्यू एवरेज हुआ, एवरेज हुआ मतलब नंबर आए आपके 12, तो 52.55 में से 12 तो आपने निकाल ली, इंटरव्यू में आपको मिल गए 12 मार्क्स, तो रिटर्न में आपको चाहिए 52.55 माइनस 12, तो ये 52 में से ये तो 40.55 हो गए। 40.55 को अगर मैं 2.5 से करूं कि मुझे 200 में से कितने नंबर चाहिए, तो 40 आया 100 तो एक हो गए और एक के डेढ़ और हो गया, तो 101.25 कुछ इस तरह का आपका निकल गया। तो यहां कितने हो गए आपके करीब करीब 18 टू 19 मार्क्स आपको यहां भी चाहिए, वहां 17 कुछ था या 18 से 19 मार्क्स का आपको एज यहां चाहिए, राइट। एक चलिए जाते जाते मैं आपको एक गुजरात को और बताऊं, गुजरात का बहुत ही अजीब है देखने से लगेगा आपको, अगर मैं गुजरात का दिखाऊं आपको तो गुजरात में लास्ट ईयर क्या था देखिए। अब सेलेक्ट तो बच्चे बहुत हुए बट उनका क्या बना देखिए, इसमें गुजरात में बहुत बड़ा गैप आया। आप एक्चुअली जो मार्क्स आप कट ऑफ देख रहे हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, कट ऑफ जैसे 55 रही है, मैक्सिमम 70 प्लस भी आपको देखने को मिलते हैं, 70 प्लस भी देखने को मिलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो इसका मतलब जिस बच्चे ने 70 प्लस से स्कोर किया, मान लो 71 स्कोर है उसका वेटेड, अगर उसको 19 नंबर भी मान लो मिल गए जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है इंटरव्यू, तो रिटर्न में उसके कितने आए 71 में से 20 घटाओ 51 52 नंबर आ गए, 52 को 2.5 गुणा करो तो कितने नंबर आ गए उसके भाई 71 नंबर अगर वेटेड आ रहा है। अगर मैं ये कहूं जबकि 19 तो नहीं मिलेंगे, 18 आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग बच्चे के मान सकते हो, तो 71 में से तो ये हो गए 53। 53 को अगर 2.5 गुणा में करूं तो आप देखिए जो टॉपर है उसने कितना अच्छा स्कोर किया होगा, ये 133 के आसपास आ रहा है, 133 कट ऑफ पे, तो पता चला कहीं 80 कट ऑफ था 85 के अराउंड, और उस बच्चे को जो उसी में 133 वाला बच्चा भी है, कितना बड़ा गैप है 50 नंबर का, 50 नंबर के गैप इसमें रहती। तो गुजरात का जैसे लास्ट ईयर का मैं देखूं तो गुजरात की कट ऑफ मेंस की बहुत कम रही थी, मेंस की रही थी 55.19 जो मुझे मिली, कहीं कोई गलत हो तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर लीजिए, और फाइनल कट ऑफ भी काफी अच्छी गई है 52.45। तो अब मुझे बताइए कि जो लोवेस्ट है वो तो पॉसिबल ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल कौन है वो देखिए आप,
52.45 है, बहुत अच्छी है, जिसकी डिसेंट इंटरव्यू हुई, मैं मान लो 80% स्कोर किया, 16 नंबर उसको मिले, तो 52.45 माइनस 16 की, तो ये कितना आ गया, 36 और 46 और 10 52, 36.45। उसको रिटर्न में 36.45 चाहिए थे जिसका सिलेक्शन। अब 36.45 वाले को इनटू ढाई करोगे आप तो कितना हो गया, 36 को अगर मैं ढाई गुणा करूं तो कितना आ जाएगा भाई, 36 ही हुआ क्या, 52.45, ये तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, तो इसका मतलब तो ये काफी ज्यादा गई थे, तो 52.45 ये तो काफी ज्यादा चली गई। ओके, 36 हुआ, 72 और 18, 90, ये 92 के आसपास। अब कट ऑफ तो थी 55, 92 वाले का सिलेक्शन हुआ जाके, जिसका डिसेंट इंटरव्यू हुआ। तो ये काफी स्टेट्स के लिए बड़ी विडंबना है। एक जाते जाते मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि इस साल जो भी बच्चे आपके वेट लिस्ट में आएंगे, या रिजर्व लिस्ट कुछ भी कहो आपको, रिजर्व लिस्ट में आएंगे वो सभी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आप देखिए IBPS PO, IBPS RRB PO और SBI PO बैक टू बैक एग्जाम्स है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों में कॉमन हो, ऑब्वियस है RRB को कोई भी वरीयता नहीं दे, प्रायोरिटी तो उनकी आइदर फर्स्ट SBI देन IBPS थर्ड ईयर रहेगी, तो ये 100% पॉसिबिलिटी है कि आपकी वेट लिस्ट पूरी क्लियर होगी। और पिछले सालों का ट्रेंड अगर आप देखें तो करीब करीब 1 से 1.5 मार्क्स तक की ये भी रहती है। तो अगर मैं वो इससे 1.5 मार्क्स का करूं तो 1.5 मार्क्स का ये भी उसको उतना रिटर्न में बेनिफिट मिलेगा उसको, और थोड़ा सा जो अपन 15-16-17 नंबर मान के चल रहे हैं ये भी यहाँ बेनिफिट कितना मिलेगा। देखिए अगर मैं ये मानूं कि जैसे आपका हरियाणा का ही लास्ट ईयर का 92.19 था और 55.48 फाइनल कट ऑफ थी, और मान लो 54 थी आपकी रिजर्व लिस्ट, तो 54 वाला भी फाइनली सेलेक्ट होगा, तो यहां भाई हो सकता है थोड़ा इंतजार उसने किया, तो 54 वाला जो बच्चा है उसको कितने नंबर की जरूरत थी। आप अगर इसमें देखें तो 90, तो 54 वाले का मैं मान लूं कि भाई वो बच्चा एवरेज इंटरव्यू गया उसका और उसको 60 नंबर ही मिले, 60 मिले इसका मतलब उसने 12 नंबर यहां से लिए, तो 54 में से 12 उसने यहां ले लिए, तो उसके पास बचे कितने, 42, 42 नंबर, तो 42 × 2.5, तो यहां से 40 ढाई, 100 और 105, तो यहां आप देखोगे कि वो 12-13 नंबर से भी उसकी गाड़ी चल गई, 12-13 नंबर से भी उसकी गाड़ी तब चल गई जब सिर्फ 12-13 नंबर का उसके पास मार्जिन था और एवरेज गया। अगर वही बच्चा ठीक जो खूब चला जाता है, अगर उसने करीब 80% मार्क्स अगर उसने अचीव कर लिए, 16 नंबर गए, तो आप देखेंगे कि 100 वाले का सिलेक्शन हो गया और उसको जरूरत रही सिर्फ 7-8 मार्क्स, सिर्फ 7-8 मार्क्स की। तो ये भी आप कंसीडर करके रहिए कि जो वेटलिस्ट का 1 और 1.5 का जो मार्जिन है वो डेफिनेटली सिलेक्शन है आपका, फाइनल सिलेक्शन। तो आज के इस सेशन में आपके मन में जो क्वारीज थी आई थिंक सभी रिजोल्व हो गई होंगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जैसा भी पेपर हुआ अब आप उसको भूल जाइए, अपने आगे की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप एक क्लर्क मेंस का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो क्लर्क मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, साइमल्टेनियसली इंटरव्यू की जो भी बर्निंग इश्यूज हैं उनकी प्रिपरेशन कीजिए। थोड़ा सा स्टडी आई थिंक हो सकता है आपने IBPS PO और SBI PO भी दिया होगा तो आपने वो कुछ प्रिपेयर पहले भी कर लिए होंगे। साथ ही जो भी आपका जैसे इसमें इंटरव्यू के जो IBPS क्लर्क मेंस के लिए जो भी आपके प्रिपरेशन की जरूरत है वो तो आपको करनी है। जैसे जो आपके पर्टिकुलर जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, जहां आपने स्टडी की उसके बारे में सर्च कर लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट में आपने फाइनल किया है ग्रेजुएशन उसके लिए थोड़ा सा जरूर प्रिपेयर रहिए, क्योंकि मेनली इन्हीं टॉपिक्स पे आपका इंटरव्यू घूमता रहेगा। तो चलिए भाई आज के सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे। हाँ, जाते जाते एक चीज जरूर कहूंगा भाई,
कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, और साथ ही क्वांट और रीजनिंग के आपके सेशंस चल रहे हैं, इनको भी अटेंड कीजिए। कुछ सेशन लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू कर लें।